वेलकम बैक टू आवर चैनल एड्यूटेनमेंट एजुकेशन विद इंटरटेनमेंट। सो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट द बेसिक्स ऑफ ग्रामर द फंडामेंटल। लास्ट टॉपिक हमारा वर्ड था और वर्ड के बाद अब आपका आता है सेंटेंस। देखिए ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लाइक अल्फ़ाबेट हमने सबसे पहले पढ़ा, अल्फ़ाबेट के बाद हमने लेटर पढ़ा, लेटर के बाद हमने वर्ड पढ़ा। वर्ड को हमने क्या पढ़ा था? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ कम्प्लीट मीनिंग। जिसके पास कंप्लीट मीनिंग होती है वो वर्ड होता है। अब वर्ड के बाद ग्रुप ऑफ लेटर आया तो वर्ड बना। इसी तरह अगर ग्रुप ऑफ वर्ड आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो सेंटेंस एक्चुअली में क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का वो समूह जिसकी कंप्लीट सेंस होनी चाहिए। अगर कंप्लीट सेंस नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है। जैसे समझ लेते हैं, इस एग्जाम्पल को ले लीजिए। जो इज़ अ गुड बॉय, जो एक अच्छा लड़का। अच्छा लड़का कौन है? जो है। बट एक सेकंड के लिए मैंने इसे कवर अप कर दिया तो इज़ अ गुड बॉय, एक अच्छा लड़का है। कौन है? वी डोंट नो। बट जैसे ही हम इसे देखेंगे दोबारा से तो हमें पता चलेगा कि जो एक अच्छा लड़का है, यानी कि ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है तो ही ये सेंटेंस है। अगर हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता तो ये सेंटेंस नहीं होगा। एक बार और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कोई वर्ड इन द पार्क, बगीचे में। क्या बगीचे में? कोई सेंस हमें नहीं पता चल रहा, आधा अधूरा सेंस है, ये सेंटेंस नहीं है। बट मैं कह दूं द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, तो ये हमें कंप्लीट सेंस देगा तो ये सेंटेंस हो गया। चलिए अब टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ने से पहले हमें सेंटेंस के पार्ट्स को जानना होगा। सेंटेंस में क्या क्या होते हैं? तो आप थोड़े से अपर क्लास से बिलोंग करते हो तो आपको लगभग सब बारीकी चीज़ें जान लेनी चाहिए। सबसे पहले सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, मेन सब्जेक्ट होता है एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? तो सीधे सीधे शब्दों में जान लीजिए, सब्जेक्ट इज द डूअर पार्ट ऑफ सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस का डूअर पार्ट होता है, जो कोई काम करता है। या अगर आप कहते हो कि सर डूअर कब होगा? जब कोई वर्ब होगा। अगर वर्ब नहीं होता तो हम सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? तो सीधा सीधा कि सब्जेक्ट वो पर्सन या थिंग होती है जिसके बारे में कोई बात की जाती है। जैसे जो इज अ गुड बॉय, अच्छा लड़का कौन है? तो जो है, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट हो गया। और प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। जो इज अ गुड बॉय, जो एक अच्छा लड़का है। तो जो के बारे में कौन बता रहा है? ये हिस्सा इज अ गुड बॉय बताता है कि जो एक हमारा सब्जेक्ट एक अच्छा लड़का है। अब देखिए सब्जेक्ट के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, प्रेडिकेट के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट वाले पार्ट में क्या आता है? आपके डिटरमाइनर्स आते हैं। और प्रेडिकेट वाले पार्ट का आपका सबसे मेन पार्ट होता है ऑब्जेक्ट। तो डिटरमाइनर्स और ऑब्जेक्ट, डिटरमाइनर को पढ़ाने से पहले मैं इससे आपको क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है ऑब्जेक्ट, और जब खास करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो आप और कन्फ्यूज हो जाते हो। तो सीधा सीधा जान लीजिए ऑब्जेक्ट दो ही टाइप के नहीं होते। ऑब्जेक्ट आर ऑफ थ्री टाइप्स, ऑब्जेक्ट्स तीन तरीके के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ये आपके लिए नया है तो अभी मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए पहले मैं एक एक करके आपको बताता जाता हूँ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट बताता हूँ, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट वाले सेंटेंस, सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट का वो पार्ट होता है जिसके ऊपर कोई वर्क किया जाता है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो सबसे अच्छा ये कि ऑब्जेक्ट वो नाउन या प्रोनाउन होता है जिसके ऊपर कोई वर्क, कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है। सबसे सिंपल भाषा में ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो नाउन या प्रोनाउन जिसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। जैसे जो इज अ गुड बॉय, जो एक अच्छा लड़का है। तो प्रेडिकेट वाला हिस्सा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग कैसे करते हैं? जिसके बारे में बात की गई, यानी जो के बारे में बात की गई, जो हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये हिस्सा आपका कंप्लीटली क्या हो गया? इट्स प्रेडिकेट। और अभी मैंने क्या बताया कि प्रेडिकेट वाले पार्ट में जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वही आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो बॉय हमारा नाउन है तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। कंप्लीट समझ गए आप? ऑब्जेक्ट के बाद अब हमें ये भी पता करना होता है कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है। तो इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर वर्ब
अफेक्ट होता है, मतलब कि एक तरीके से समझ ले कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ना वर्क के रिसीवर होते हैं, वो काम के रिसीवर मतलब उन्हीं के ऊपर काम कर दिया गया रहता है। लेट्स सी एन एग्जांपल, यहाँ पे द बॉय ब्रोक द विंडो, लड़के ने खिड़की तोड़ दी। तो टूटा कौन भैया, लड़के ने तोड़ दी, बट अफेक्ट किस पे हुआ, प्रभाव किस पे पड़ा, तो हमारी खिड़की पे। तो द विंडो हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर आता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके लिए वो वर्क किया गया होता है, जिनकी खातिर किया गया होता है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, ये ही गेव हिज मदर फ्लावर्स, उसने अपनी माँ को फ्लावर दिया। तो उसने फ्लावर दिया भी तो किसे दिया, अपनी माँ को, यानी वर्क किया किसके लिए गया है, उसकी माँ के लिए किया गया है, हिज मदर। तो हिज मदर कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया भैया, ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए आई होप समझ गए आप, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ठीक किसी प्रीपोजिशन के बाद या जस्ट पहले आते हैं, समझ लीजिए। एक एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे है द कैट गेट्स इन देयर हाउस व्हेन दे आर स्लीपिंग, बिल्ली उनके घर में घुस जाती है जब वे सो रहे हैं। तो देखिए आपको पहचानना कैसे है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन होगा उसके जस्ट पहले प्रीपोजिशन आया होगा, वही आपका हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो इन देयर ये कंप्लीट आपका हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के साथ कोई ऑब्जेक्ट लग जाए वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अब मैं फिर से आता हूँ अब सब्जेक्ट वाले हिस्से पे। आई होप ये आप समझ गए, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। फिर आते हैं हम डिटरमाइनर्स पे। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, नाम से ही पता चल जा रहा है, डिटरमाइन यानी कि जो नाउन को डिटरमाइन करते हैं। तो डिटरमाइनर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन के पहले आते हैं, बाद नहीं आते, सब्जेक्ट वाले हिस्से में ही नाउन के पहले आते हैं और उन्हें डिटरमाइन करते हैं। लाइक यहाँ पे देखिए द बॉय, सब्जेक्ट वाला हिस्सा आपका ये है क्योंकि इसके बारे में बात की जा रही है, बॉय के बारे में बात की जा रही है। तो बॉय नाउन है आपका, नाउन के ठीक पहले द आया हुआ है, द आपका हो गया डिटरमाइनर। तो डिटरमाइनर्स अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं क्या क्या डिटरमाइनर्स हो सकते हैं। तो डिटरमाइनर्स आर्टिकल्स होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स या डेफिनिट आर्टिकल्स, ए एन या द, ठीक उसी तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, दिस दैट दिस दोज। तो ये नाउन के पहले आते हैं, सब्जेक्ट वाले हिस्से में आएंगे, ये प्रेडिकेट के पार्ट में नहीं आएंगे। डिटरमाइनर्स, डिटरमाइनर्स हमेशा नाउन के पहले ही आते हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि डिटरमाइनर्स हमेशा नाउन को प्रिसीड करते हैं, हमेशा उनके पहले ही आते हैं। तो आपसे कोई पूछ दे कि ये जो कंप्लीट सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें डिटरमाइनर कौन है, द बॉय ब्रोक द विंडो, तो आप इसमें मत चले जाना, यहाँ भी आपको द ही दिख रहा है तो ये डिटरमाइनर नहीं है, आपको सब्जेक्ट वाले पार्ट देखना होगा, बॉय नाउन है और उसके ठीक पहले द आया हुआ है। तो ये हो गया आपका डिटरमाइनर। आई होप डिटरमाइनर आपको समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं, कुछ और भी सेंटेंस के पार्ट होते हैं। अब हम उन्हें कंप्लीटली एक डेफिनेट नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि वो सब्जेक्ट वाले हिस्से में आते हैं या प्रेडिकेट वाले में हिस्से में आते हैं। दो ऐसी चीजें हैं यहाँ नीचे देख सकते हैं आप, कॉम्प्लीमेंट और मॉडिफायर। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एक तरीके का ऐसा सेंटेंस का हिस्सा है जो अपने बारे में कुछ अपनी कॉम्प्लीमेंट देता है, कुछ अपना खासियत बताता है, जैसे एक तरीके समझ लीजिए खासियत बताएगा। तो कॉम्प्लीमेंट का एग्जाम्पल यहाँ पे है, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, ऑब्वियसली आई एम अ टीचर, तो आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। तो ये टीचर, ये सब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट कुछ है, ठीक है, समझ गए आप आई होप। तो आई एम अ टीचर लाइक यू आर अ स्टूडेंट, तो आप स्टूडेंट हो, तो सब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि आप स्टूडेंट हो, तो ये कॉम्प्लीमेंट है आपकी, आपकी एक तरह समझ लीजिए डेजिग्नेशन को, आपके पोजीशन को, प्रोफेशन को बताया जा रहा है कि आप हो क्या, ठीक। इसके बाद आता है मॉडिफायर।
मॉडिफायर्स थोड़े से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से एकदम समझ लेते हैं मॉडिफायर। मॉडिफायर्स एकदम नाम से ही पता चल गया, जो मॉडिफाई कर दे, सुधार दे, मीनिंग में किसी के मीनिंग में कुछ और ऐड कर दे, अर्थ में कुछ और ऐड कर दे, वही मॉडिफायर्स हैं। तो मॉडिफायर्स कौन कौन से होते हैं, तो ग्रामर में दो पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे होते हैं जो मॉडिफायर्स होते हैं, लाइक सबसे पहले एडजेक्टिव आता है और एडवर्ब आता है। एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, तो एडजेक्टिव देखिए नाउन, प्रोनाउन या खुद ही को, खुद एडजेक्टिव को एडजेक्टिव मॉडिफाई करते हैं। और एडवर्ब किसे मॉडिफाई करते हैं, एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, या कभी कभी एडजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई करते हैं, या कभी कभी खुद अपने आप एडवर्ब्स को ही मॉडिफाई करते हैं। तो सबसे पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है मॉडिफायर्स को, वो या तो एडजेक्टिव होंगे या तो एडवर्ब्स होंगे। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी नहीं समझ में आ रहा है, आप थोड़े से प्रॉब्लम में हो, आपको लगता है कि मैं एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं समझ पा रहा हूँ, तो डोंट वरी, जैसे जैसे हम क्लासेस में बढ़ते जाएंगे, अभी आप सेंटेंस पढ़ रहे हो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, इसके बाद आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंस आएंगे, और जस्ट उसके बाद हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ही आना है। तो घबराइए नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा और बहुत अच्छे तरीके से आएगा, मतलब मैं एकदम एश्योर करता हूँ आपको कि आप भूलोगे नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है, बिल्कुल चिंता मत करिए। तो मॉडिफायर्स कौन से हो गए, जो मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफाई करेंगे किसको भैया, तो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेंगे। तो सबसे अच्छा पहचानने का तरीका है, द ब्लू बोट सैंक, नीली नाव डूब गई। तो आपसे कोई कहते हैं कि मॉडिफायर बताओ, मॉडिफायर कौन होगा, बहुत सिंपल है, बोट नाउन है, नाउन को ही मॉडिफाई करेंगे, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। नाउन के ठीक पहले कौन है, ब्लू, नीला कलर, ये मॉडिफाई कर रहा है ना, एडजेक्टिव है, कुछ बता रहा है खासियत की नाव कैसी भी है, तो नीली नाव है, ब्लू कलर की है, तो कलर बता रहा है, तो ब्लू बोट सैंक, नीली नाव डूब गई, ये हो गया आपका मॉडिफायर। अब आप कह सकते हो कि सर एक एडवर्ब वाला भी बता दीजिए, चलिए एडवर्ब वाला भी बता देते हैं, चलिए एक एडवर्ब का भी कर लेते हैं, द बोट स्लोली सैंक, बोट स्लोली धीरे से डूब गई, तो बोट डूबी तभी तो कैसे भैया, धीरे से डूबी, तो इसने वर्ब को मॉडिफाई किया, दैट्स व्हाई ये मॉडिफायर हो गया। तो आई होप आज के इस वीडियो में, इस क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, अच्छे से देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स देख रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट नहीं देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ सभी देखिए, और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अपने ही स्कूल के लिए, ये कोई भी देख सकता है, आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ है और ये सबको आनी चाहिए। आप अपर क्लास से बिलोंग करते हो, आपको तो ये बिल्कुल आनी चाहिए। तो ये कंप्लीट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हमने देखा क्या क्या हो सकता है। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछता है तो आप इस चीज़ में कन्फ्यूज ना होना। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं कि एक्चुअली में आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सेंटेंस। सेंटेंस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस। आपसे अगर कोई पूछे कि अगर कंप्लीट सेंस नहीं देता तो सेंटेंस नहीं है, तो पक्का कह देना कि नहीं, वो सेंटेंस नहीं होगा। अब आगे बताऊंगा मैं कि अगर नहीं होता है तो क्या होता है, बट अभी नहीं, मैं आगे बताऊंगा कि अगर आधा सेंस देता है तो फ्रेज होता है, अगर देता भी है या नहीं भी देता, कंफ्यूजन होता है, तो वो क्लॉज होते हैं। धीरे धीरे हम आगे आएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट प्रेडिकेट को छांटना कैसे है, ये भी समझ में आपको आ गया कि जिसके बारे में बात की जाती है, जो काम करता है वो सब्जेक्ट हुआ, और जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है वो प्रेडिकेट हो गया। फिर सब्जेक्ट प्रेडिकेट के भी हमने पार्ट पढ़े कि सब्जेक्ट वाले पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, और प्रेडिकेट वाले हिस्से में भी क्या क्या आता है। प्रेडिकेट वाले में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट आते हैं, ऑब्जेक्ट्स को हमने क्या पढ़ा कि ऑब्जेक्ट वो नाउन या प्रोनाउन होता है जिसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म की जाती है। ऑब्जेक्ट भी तीन टाइप के होते हैं, हमने देखा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन। ये आपके लिए थोड़ा नया था। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था, जो अफेक्ट होता है, जिसके ऊपर वर्ब का, एक्चुअली समझ लो रिसीवर, उसी के ऊपर वर्ब किया गया है। जैसे ही ब्रोक द विंडो, तो टूटा कौन भैया, खिड़की टूटी, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि जो डायरेक्ट संपर्क में आ गया, एक तरीके से समझ लो। फिर आ गया आपका इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसके लिए वो वर्ब किया गया, वो काम किया गया है। He gave his mother flower. उसने अपनी माँ को फ्लावर दिया, फूल दिया, तो किसके लिए किया गया है, उसकी मदर के लिए किया गया। एक तरीका और मैं ट्रिक बता देता हूँ, सबसे सिंपल समझने का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगर नॉन लिविंग थिंग है,
ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर नॉन लिविंग थिंग है, वो नाउन है, अगर नॉन लिविंग नाउन है तो वो आपका होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर लिविंग थिंग है तो वो आपका होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये गांठ बांध दीजिएगा, एक ट्रिक है याद करने का। और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, मैंने बताया कि प्रीपोजिशन के साथ में एक ऑब्जेक्ट जुड़ा होगा, वो आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होगा। जैसे इन देयर प्रोनाउन है, नाउन या प्रोनाउन ये ऑब्जेक्ट है, और उसके ठीक साथ एक प्रीपोजिशन ऐड है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ऐसे एग्जांपल्स आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। इसके बाद हमने डिटरमाइनर देखा। डिटरमाइनर में हमने क्या देखा कि जो डिटरमाइन करते हैं, जो समझ लीजिए कि नाउन या प्रोनाउन के प्रिसीड करते हैं, ये बात हमेशा रखिएगा कि डिटरमाइनर्स मस्ट प्रिसीड द नाउन, हमेशा उन्हें करना ही होगा, वो हमेशा नाउन को प्रिसीड करते हैं, नाउन के पहले आते हैं। जैसे द हो गया, ए, एन, दिस, दैट, दोज, ये सब नाउन के पहले आते हैं, इसीलिए डिटरमाइनर हो गया। फिर हमने और भी चीजें देखी, कॉम्प्लीमेंट और मॉडिफायर। कॉम्प्लीमेंट में मैंने बताया कि कॉम्प्लीमेंट वो पार्ट थे सेंटेंस के जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहे थे कि सब्जेक्ट कोई पोजीशन रखता है, कोई प्रोफेशन है उसका। जैसे आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, यू आर स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हो, तो ये कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। और एट लास्ट आपका आया मॉडिफायर। तो मॉडिफायर का मतलब जो मॉडिफाई कर देते हैं, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उनकी मीनिंग में कुछ ऐड कर देते हैं। जैसे द बोट स्लोली सैंक, नाव धीरे से डूब गई। तो मॉडिफायर्स कौन कौन से हो सकते हैं? एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एड्यूटेनमेंट, एजुकेशन विद इंटरटेनमेंट। होपफुली अगली नेक्स्ट वीडियो और अच्छी होगी और हम और अच्छे से पढ़ेंगे। बाय।